गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। और आज की हमारी गेस्ट हैं कोमल शर्मा। कोमल आपने नमस्ते देख मैम। नमस्ते दोस्तों। सो कोमल, हमारे शो का फॉर्मेट है दैट यू हैव टू बी वेरी रॉ, वेरी यस ऑनेस्ट। आप झूठ नहीं बोल बिल्कुल सकती। नहीं। रेडी हैं? यस ठीक है। सो कोमल, मुझे एक बात बताइए हाँ जी। कि आप बाहर से हैं, राइट? बॉम्बे से नहीं है? नहीं, और आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। अच्छा, ओके। जहाँ हाँ पे सारे कुश्ती वाले हाँ पहलवान सारे पहलवान होते हैं, मारी छोरी वहां से बिलोंग करती तो हूँ तुम मैं। ऐसी बातें करते हो वहां पे। अरे हाँ वाह। तो एक बात बताओ, जितना मैं जानती हूँ कि हरियाणा में जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनके बच्चे स्पोर्ट्स में जाएं या पढ़ाई लिखाई करें, बट वो एक्टिंग वगैरह के एकदम खिलाफ होते हैं। बहुत ज्यादा, मतलब इतना कि उनको जींस पहनना तक अलाउ नहीं होता, नहीं पहन सकते वो। तो जब पहली बार आपने डिसाइड किया कि आपको एक एक्ट्रेस बनना है और आपने अपने अपने पेरेंट्स को बताया, तो हाँ उनका क्या रिएक्शन था? सबसे पहले जो बालवीर नाटक आता था उसमें मैं सिलेक्ट हुई थी। ठीक जब है। मैं 10 इयर्स थी तो पहले मेरी मम्मी ने मुझे जाने नहीं दिया, वरना अगर उस टाइम मैं गई होती तो आज पता नहीं कहाँ होती। करेक्ट। मम्मा ने कहा नहीं, हम घर से दूर नहीं भेजेंगे, हमारी इकलौती लड़की है, मैं घर में अकेली हूँ तो सबका लाड प्यार ज्यादा है। हाँ, जब मैंने उनको बताया कि मुझे एक्ट्रेस बनना है या जाना है, तो सबसे पहले मेरी मम्मी का रिएक्शन था कि वहां अकेले कैसे रहेगी। मतलब करेक्ट। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप नहीं कर सकते, करो, अकेले कैसी रहेगी। बहुत रोना धोना भी हुआ, ड्रामा भी हुआ, नहीं जाएगी। मैंने भी बहुत नखरे किए, जिद किया कि नहीं मेरे को जाना है, सारे मुझे ड्रामे बना, कर डाले। सारे ड्रामे कर डाले। इनफैक्ट उस जिद में मैंने अपना ये हाथ तोड़ लिया था, क्योंकि मैं 4 माले की बिल्डिंग से कूद गई थी। मैं बहुत जिद्दी हूँ ये बात सच है बिल्कुल। तो मेरा फिर फाइनल हो गया कि ठीक है आप जाओ, तो घर वालों ने मुझे भेजा। और सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी दादी ने किया मुझे लवली। कि छोरी को जाने दो। तो ये जो हमारी छोरी है, हाँ इन्होंने आज तक कौन कौन सी सीरीज की है, पब्लिक को बताइए। बिल्कुल, मैं टोटल 10 सीरीज कर चुकी हूँ ड्रीम वाह, फिल्म्स के लिए। किया है मैंने, कांड है मेरी, रंगीन बातें सीजन 2 है, टुल्लू प्राइम के लिए स्मॉल साइज है, देसी मसाज पार्लर है, आलिंगन है, ऐसी बहुत सारी सीरीज हैं। अभी रिसेंटली मेरी सीरीज आ रही है, मतलब बहुत सारी कर रखी बहुत हैं सारी सीरीज। सीरीज कर चुके हूँ तो पेरेंट्स को पता है कि आप इतना बड़ा कांड कर रही हैं, कि नहीं पता है उन्हें? नहीं, मैं मेरे पेरेंट्स से कुछ नहीं छुपाती मैम, उनको हाँ, मतलब सब पता है। और मुझे कहीं ना कहीं एक्टिंग करने की जो मतलब ताकत है मेरे घर वालों से मिलती है। वो मुझे कहते हैं बेटा आपका ये काम है, उसको आप काम की नजर से देखो और वैसे ही करो, तो आप काम करने गए हो तो काम करो। कभी मुझे मतलब मेरे घर वाले मेरी सीरीज देखते भी हैं। वाह, हाँ देखते हैं, तो उनका कोई रिएक्शन नहीं कि आप ऐसा गलत कर रहे हो मत करो, नहीं, बहुत सपोर्टेबल है मेरी फैमिली यार सच में बहुत लकी हो तुम लोग। थैंक यू सो मच। हाँ क्योंकि पता है, इस टेबल पे, सोफे पे बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं और मेरी बहुतों से बात हुई है। हर किसी की एक ही कहानी है कि माता पिता बात नहीं करते, माता पिता ने छोड़ दिया, घर वाले बात नहीं करते। तो मैं कहूँगी आप बहुत किस्मत वाली हैं बिल्कुल, कोमल। मैं खुद कहती हूँ कि मैं हाँ। किस्मत वाली हूँ। मेरे घर से ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपको मतलब जो करना है आप करो लकी हाँ। अच्छा, हाँ सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आप 18 साल के ऊपर है ना? पब्लिक को पता है बिल्कुल आपकी एज क्या है? नहीं, लड़कियों से कभी उनकी एज मत अठारह से मुझे ऊपर हो ना हाँ तुम? 18 के ऊपर हूँ दोस्तों, मैं एक बच्ची को लेके जरूर बैठी हूँ, बट शी इज अबाउट 18, ओके? डाउट मत या करिएगा, बिल्कुल नहीं, मैं दिखती मासूम हूँ, मैं हूँ भी मासूम मासूम है। हाँ, लेकिन 18 से ऊपर हूँ 18 के ऊपर वाली मासूम है ये। अच्छा कोमल, मुझे एक बात बताओ, हाँ जी जैसे जब पहली बार चूंकि आप हरियाणा से आती हाँ हैं, कोई हाँ मेट्रो सिटी से नहीं है, तो जब आपने पहली बार कोई बोल्ड सीरीज की होगी, जब आपको नरेशन मिला होगा या जब आपके लड़के के साथ सीन हुए होंगे, तो आपने कैसे परफॉर्म किया? जब मैम मेरा फर्स्ट बोल्ड सीरीज था, मैंने एक्साइटमेंट में हाँ कर दी, ठीक है। हाँ मैं रेडी हूँ करूंगी, पहला हाँ। काम मुझे मिल रहा था, मैं मना नहीं कर सकती थी, हाँ कर दी। तो नॉर्मल जो स्टोरी होती है उसमें जो एक्टिंग करनी थी मैंने की। जब सीन की बात आई, उन्होंने कहा कि आप सीन लगेगा, आपको ऐसे ऐसे करना है। मैम मैं इतनी नर्वस हुई थी, लिटरली मैं 10 मिनट तक मैं वॉशरूम में रोई हूँ कि कैमरा कैसे फेस करूंगी मैं उस ड्रेस में, करेक्ट। मतलब इतना रोई हूँ। और जब सीन हो रहा था, जैसे यहाँ पे टच करना ऐसे करना, इतना मुझे गुस्सा आ रहा था। मतलब पहले कट में तो मैंने उसको गाली भी दे दी थी, मैंने लिटरली ओके। गाली दी है कि ऐसे क्यों हाथ लगा रहे हो, आप मेरे को नहीं लगा सकते। तो मुझे समझाया गया कि बेटा आप शूट करने आए हो, ऐसा नहीं होता, शूट खत्म हो गया, ओके। मैं घर आई,
और जो मुझे पेमेंट मिली थी मैंने उसको हाथ तक नहीं लगाया, मैंने कहा नहीं ये अच्छे काम की पेमेंट नहीं है, गलत काम के, मैंने उसको साइड में रख दिया। और मैं मतलब जो मैंने वहां पे घर पे जाके मैं इतना रोई कि मुझे ऐसे खुद से घिन आ रही थी, नहीं इस मेरे को ऐसे मत छुओ, ये मत करो, मैं क्योंकि ऐसे घर से बिलोंग ही नहीं करते, मुझे पता नहीं था इंडस्ट्री के बारे में क्या क्या होता है। करेक्ट तो मैं बहुत ज्यादा रोई थी बोल्ट को लेके कि दुनिया मुझे ऐसे देखेगी, ये दे मतलब मेरे माइंड में ये था। हमारे उधर की लड़कियों की सोच ये होती है कि अगर आपको कोई बिना कपड़ों के टच भी करे तो सिर्फ हस्बैंड का हक है, बिल्कुल ऐसे किसी का हक नहीं है। और यहाँ पे तो आपको पता है क्या एग्जैक्टली। चलता है। तो ये कौन सी सीरीज थी और कौन एक्टर था? सीरीज का नाम था कांड, ड्रीम ओके फिल्म्स के लिए, और जो मेरे साथ मेरे को एक्टर थे उनका नाम था सोहेल, सोहेल। या सोहेल, अच्छा ओके हाँ, या मेरे से सोहेल ने कुछ 9 सीरीज की हैं, ओके। मेरे मैंने उसको 9 सीरीज दी हैं। और एक्टर अच्छा है, वो एक्टिंग अच्छी करता है। हाँ नो डाउट एक्टर अच्छा है। हाँ तो अच्छा, ओवरऑल जैसा आपको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने बताया था कि यार कोमल ये सीन होने वाले हैं, वही हुए या उससे ज्यादा हुआ? और आपके कंफर्ट जोन का कि यार लड़की का कहीं कोई प्राइवेट पार्टनर दिख जाए उसे तुरंत कवर कर दो, या जब आप सीन शूट कर रहे हैं बोल्ड वाले सीन तो वहां पे कितने लोग थे, उन सब चीजों का ख्याल रखा गया या नहीं रखा गया? मैम ख्याल मेरा, मैंने अब तक जितने भी शूट किए ना, इन सब चीजों का ख्याल सबसे पहले रखा गया है कि लड़की कंफर्टेबल होनी चाहिए। करेक्ट। आप कोई भी प्राइवेट पार्ट वो ना शो करे, उसका हाँ भी ध्यान रखा गया। और जो सीन उन्होंने मुझे बताया कि इतना सीन होगा उतना ही करवाया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। और मैं कंफर्ट हूं या नहीं, मुझसे पहले पूछा गया कि मैम आप कंफर्टेबल हो ये सीन करने में, अगर नहीं हो तो हम कट कर देंगे, ऐसा वाह। भी था। तो तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है। एक्सपीरियंस अच्छा है मेरा। तो कोमल आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैंने बीए कर रखा है। अरे वाह हाँ लवली। आई एम ग्रेजुएट, आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ लेकिन अभी थोड़े टाइम बाद। सो दोस्तों पढ़ी लिखी लड़की है, ऐसा नहीं कि कोई भी उठकर आ गई हो। हाँ यार बीए भी यार 3 साल पढ़ाई करते हो 12th के बाद, उसके लिए भी मेहनत या चाहिए। और बिल्कुल तो फिर इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ये सारे सब्जेक्ट जो हिस्ट्री जियोलॉजी वगैरह पढ़नी है, बहुत सिविक्स ज्यादा, भी मतलब पढ़ना इतना होता टफ होता है। फिर मस्ती भी करनी होती है हमें, अपनी जिद भी पूरे करने हैं घर वालों से, है। पढ़ाई भी हाँ करनी है, और इतनी लंबी लंबी शीट्स 36 पेजेस की जो भरनी 36 पड़ती भरनी है। पड़ती है, मतलब। हाँ और यार सीरियसली मैं बताऊं, मैंने 11th 12th मैथ्स ले लिया था, अगर मैंने हिस्ट्री ली होती, आर्ट्स लिया होता ना, मैं कभी पास नहीं होती। कभी पास पहला तो मैं लिख ही नहीं नहीं सकती, नहीं लिख और सकते थे। दूसरा ना मुझे सिविक्स, फिर वो पता है हाँ मिनिस्ट्री में कौन से लोग कौन कौन सा सिलेक्शन ना करते लो, हैं। बहुत सारे मतलब हाँ ऑप्शंस होते हैं वहां पे, हाँ फिर वो कौन किसका चयन करेगा चयन। यार, फिर वो मोहन हड़प्पा हाँ मोहनजोदड़ो उसकी गुफाएं कहाँ गुफाएं थी, कहाँ उसकी है, ठीक है। हाँ खोज करो, हाँ हिस्ट्री, पानीपत का युद्ध पानीपत कब हुआ का युद्ध कब था, हुआ था, मोहम्मद गजनवी गजनवी, है ना, मोहम्मद शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनाया बनाया, कौन सी था, बीवी के चक्कर में कौन सी बनाया, बीवी किसने हाथ के काटा। चक्कर। सीरियसली यार और बहुत टफ बहुत होता था। मतलब। हाँ तो अच्छा मुझे एक और बात बताओ, हाँ जैसे जी आपने कई सारे एक्टरों के साथ काम किया, हाँ। आपका फेवरेट मेल एक्टर कौन है? अभी तक तो फिलहाल मुझे ऐसा कोई फेवरेट दिखा नहीं जिसे मैं बोलूं कि हाँ ये बंदा मेरा फेवरेट है, लेकिन जितने भी मुझे को एक्टर मिले बहुत अच्छे थे, मतलब कंफर्टेबल हैं, उनसे बॉन्डिंग अच्छी होती है मेरी, मतलब नो डाउट अच्छे रहते हैं। मतलब हमारे यहाँ एक्टर्स अच्छे हैं। हाँ दोस्तों ऐसा हाँ एक्टर आपको ऐसे बिल्कुल पाया बिल्कुल। होगा। और ऐसे कभी हुआ सेट पर कोई बहुत ही वाहियात आर्टिस्ट मिली हो फीमेल, जिसके साथ आपको झगड़ा हो गया हो या उसकी घटियापन थी, तो ऐसा कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे? वी वुड लव टू नो। हाँ हमारा शो करण जौहर जैसा शो है, फुल बिल्कुल गॉसिप करता है। हाँ मैम, लड़ाई भी हुई है, हाँ मैंने काफी कुछ उन्हें बोला भी, उन्होंने भी मुझे बोला, मैं नाम नहीं लूंगी। तो इंसिडेंट क्या हुआ था ये बताओ। इंसिडेंट शूट को लेके हुआ था, हाँ क्या कहते हैं, एज अ लाइक वो कपल थे, कपल भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, तो जो लड़की थी वो मेन लीड में थी, मैं ओके सेकेंड ठीक लीड में थी, है। तो उनका बॉयफ्रेंड था जो मेरा को एक्टर था, सोहेल या ओके ठीक है। सोहेल, हाँ तो उनके साथ मतलब हमारे कुछ सीन्स थे, हाँ उसको लेके मतलब लड़ाई हुई कि आप इनके साथ सीन मत करो, आप इनकी न, इनका नंबर आपने लिया है क्या नहीं लिया, तो मतलब उन्होंने मेरे से बहुत गलत वे में बात करी। फिर मैं भी चुप नहीं रहने अरे वाली, मुंह तोड़ मैं भी देना था। हरियाणा की शेरनी, मेरे अरे घर वालों की शान, तो हाँ मैंने भी मतलब बहुत सुना, इतना सुना है कि मुझे उस टाइम खुद रियलाइज नहीं हुआ कि मैं ही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली ऐसे बोलती नहीं हूँ किसी को भी, बहुत इज्जत से मैं बात करती हूँ। तो मैंने उनको बहुत, उन्होंने मेरे को एक चीज बोली कि आप यहाँ की लोकल नहीं हो,
तो मैं कुछ भी करवा सकती हूँ आपके साथ। ओह माय गॉड, इस हाँ, लेवल पर या इस लेवल पर मुझे धमकी मिली कि मैं कुछ भी करवा सकती हूँ। तो मैंने सिर्फ उनको इतना ही बोला, अगर आप में है गट्स है तो आप मुझे टच भी करवा लेना, उसके बाद आपके साथ क्या होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। यार ये तो घटियापन थी, अगर आपका बॉयफ्रेंड है घर पे रखो ना, पालो। नहीं, मैंने सेम चीज उनको बोली कि अगर आप इतने ही पोजेसिव हो ना, तो हमारे यहाँ कहावत है कि अपने खसम को पल्लू में बांध के रख ले। हाँ। तो मैंने उनको यही बोला कि आपको इतना प्यार है तो आप उनको पल्लू से बांध के रखिए, छुपा के रखिए, लेके मत घूमिए ना, बना के रखो लेकिन घर पे रखो, घर पे रखो, टॉमी टॉमी बोलो। तो ये मेरे साथ हुआ, मेरा मतलब पहला ही शूट था जहाँ पे मेरे साथ ये हादसा। और ये जो माता जी, इनका नाम बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, बता दूंगी, तुम्हें बता दूंगी। आप बता दीजिए। ये अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये कांड सीरीज की बात है। या बिल्कुल मैम। तो प्रिया थी? या एग्जैक्टली, प्रिया गामदे। पर प्रिया का तो आजकल एक नया स्पॉट बॉय है, लकी को लेके घूम रही है, ऐसे चुम्मू 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 करते रहे। नहीं नहीं, उस टाइम पे उनका वो चुम्मू चुम्मू सोहेल थे। अच्छा, अब नहीं है, अभी लकी है। अभी लकी है, देखते लकी कितने दिन, कितने दिन कब तक रहते हैं देखते हैं। हाँ, देखते लकी जब तक कोई नया नहीं मिलता, नया औजार, औजार नहीं मिलता जिसमें जंग ना लगाओ, जंग ना लगाओ, जंग वाला ही वहां जाएगा ना यार। नॉर्मल लड़का नॉर्मल ही जाएगा ना। तो वो प्रिया गामरे हैं, तो मेरी उनके साथ बहुत, आप किसी से भी लड़ो, आप, मैं अपना घर छोड़ के यहाँ आई हूँ, आप भी अपना घर परिवार छोड़ के आए हो, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ के लोकल हो या नहीं हो, अगर आपकी मतलब आप सही हो। हाँ। तो मेरा मानना, आप किसी की एक मत सुनो। करेक्ट। आप गलत हो तो आप किसी की चार सुनो, सही नहीं हो तो फर्क नहीं पड़ता, आप लोकल हो नहीं हो, आप उसे जवाब दो क्योंकि आप गलत नहीं हो। तो मैंने वही किया, तो इनफैक्ट वहां पे मुझे सब देख के शॉक भी हो गए थे कि ये मतलब इतना कैसे बोल रही है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं सुनूंगी, लेकिन मेरा सपोर्ट भी किया था जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर, उन्होंने बोला कि आप ऐसे नहीं बोल सकते। सागर बहुत अच्छा, सागर मिस्टी दोनों बहुत अच्छे, उन्होंने बोला आप ऐसे नहीं बोल सकते इनको, आपका कोई राइट नहीं है कि आप किसी भी आर्टिस्ट को ऐसे बोलो। यार इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रिया की एज होगी 44 के आसपास, या और सोहेल मेरे हिसाब से 24-25 साल से ज्यादा का तो नहीं होगा, 25 भी ज्यादा हो गया, 22-23 अराउंड। अगर मतलब प्रिया ने 44-22 साल की जब उम्र में जब बच्चा पैदा किया होता तो आज उसकी एज हो, वेट, राइट मैम, बिल्कुल सही। हाँ, और सोहेल की शायद मम्मी प्रिया से 7 साल बड़ी होगी, सेम। हाँ, या जैसे या लकी का है, जैसे लकी की लकी 28 का है, प्रिया 44 44 16 साल छोटा है। और अब तुम्हें मालूम एक बात, हाँ। मैंने प्रिया का, ये प्रिया कह रहे सॉरी, लकी की मम्मी की फोटोज देखी है। हाँ। शी इज सो प्रिटी, इवन शी इज ऑन इंस्टाग्राम। ओके। और वो इतनी खूबसूरत, मेरे हिसाब से प्रिया से 7 साल ही बड़ी होंगी। क्या बात, बताओ बहु और ये ये जनरेशन है मैम, ये इंडिया की जनरेशन है, लड़कियां भरी पड़ी है, लड़कियां भरी, आ जाए लपक लो उसको, छोड़ो मत, और घर पे उसको बैठा के पपेट बना लो, स्पॉट बॉय बना, स्पॉट बॉय बना लो, उठवा लो, बर्तन धोवा लो, झाड़ू पोछा सब करा लो, सब करवा लो, नोच डालो, नोच डालो। बताओ जनरेशन एक्चुअली पता नहीं कहाँ जा रही, कहाँ जा रही है। ओह शिट, मैं कुछ और बातें करते हैं, थोड़ी ज्यादा बेटर हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ। हाँ जी। आपको कितना टाइम हो गया इंडस्ट्री में? मुझे मैम 2 साल हो गए। अच्छा, तो आप लॉकडाउन के टाइम पे आई हैं? हाँ, लॉकडाउन मतलब ये कह सकते, जब लॉकडाउन लगा था मैं यहीं थी, मैं हाँ। चली गई थी घर पे। अच्छा हुआ कि उससे पहले मैं थैंकफुली अपने घर पहुंच गई, वरना मेरा यहाँ पे क्या हाल होता मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली हाँ। क्योंकि पता है मैं बहुत सारे एक्टर्स को जानती हूँ, लॉकडाउन में या तो वो पूरी तरह से टूट गए, लोगों की यार एक्चुअली रीढ़ की हड्डी टूट गई है, टूट गई मैम, लोगों के अंदर की हिम्मत, क्योंकि सर्वाइवल कॉस्ट बहुत ज्यादा, मतलब इंसानों से ज्यादा वैल्यू पैसे की उस टाइम, आज भी है लेकिन उस टाइम इतनी थी कि इंसान मतलब पैसा होके भी आप बाहर नहीं जा सकते, कुछ ले नहीं सकते, कर नहीं सकते, बहुत ज्यादा, कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया खुद, मतलब बहुत ज्यादा टफ था। दोबारा कभी ना हो कि ऐसा टाइम हमें देखना पड़े, कभी ना, बहुत बुरा टाइम, बहुत बुरा टाइम था वो। और कई लोगों ने तो सुसाइड करने से अच्छा शादी को चूज किया शादी कर लेते, दूसरा खर्चा तो उठाएगा। हाँ, लॉकडाउन में मैम शादियां भी बहुत हुई है, चोरी छुपके बहुत ज्यादा शादियां हुई है।
मेरा एक दोस्त है आशुतोष कौशिक, हाँ वो बिग बॉस का विनर था, वो भी हरियाणा साइड का ही है, ओके मेरठ का है वो, और वो बिग बॉस का भी विनर था और स्प्लिट्सविला का भी विनर था। उसने तो ओके छत में शादी की, तो अरे सामने बाप लड़की मिली, रे दोनों ने बाप, छत छत में शादी शादी कर कर ली, ली बहुतों ने शादी की वो। यार। और उस टाइम तो मतलब लड़कों ने इतनी गर्लफ्रेंड बना रखी, टाइम पास नहीं हो रहा था लोगों का, क्या करे। ब्रेकअप करने वाले भी पैचअप कर रहे थे, हाँ, बेबी शोना जान बोल के निब्बा निब्बी हो निब्बी गया था निब्बा, कुछ गिफ्ट दे दिए, महंगे तोहफे दे दिए, बस फिर बस। लगे रहते थे हाँ, जो घर में है घर काम में तो कुछ सारा नहीं। नहीं, तो हाँ, यही करो। और जो लड़कियां अकेले रहती थी उनकी सैलरी अच्छी थी, जिनको लॉकडाउन में भी वर्क फ्रॉम होम मिलता था, हाँ बेबी मैं आ रहा हूँ, हाँ, हाँ, तो वो चल रहा था। काफी लोगों ने मजे लिए हैं लॉकडाउन में, पता है मैंने लॉकडाउन में क्या क्रिएटिव काम किया? बताइए। मैंने शादी.com और जीवन साथी में अकाउंट मैम सेम, बनाया। मेरा आज भी है, मेरे से डिलीट नहीं हो रहा है। अरे मुझे तो ब्लॉक कर दिया इन लोगों ने, मुझे जीवन साथी मुझे शादी.com में जब भी लॉग इन करती हूँ, आप, मेरा असली नाम है वंदना तिवारी या और मेरा ओके स्क्रीन नेम है घना वशिष्ठ, घेना वशिष्ठ, तो मुझे हर बार उसमें नोटिस आता है कि आप एक सेलिब्रिटी की फोटो यूज कर रही हैं, हाँ आप घना वशिष्ठ की फोटो यूज नहीं कर सकती, आप वंदना तिवारी हैं। अब मैं हर वैनो जगह से बैन हूँ, अब मैं लड़का कहाँ से ढूंढूँ? ढूंढो। मैं फेसबुक पे मैम ढूंढूँ? आपके लिए ना कोई बहुत ही स्पेशल होगा, बहुत हाँ, ही यूनिक होगा जो आपको मिलेगा यहाँ पे। ये टुच्चे मुच्चे नहीं मिलेंगे एक दो दिन वाले, तो जो भी आएगा वो बहुत लकी होगा कि उसे आप जैसी लॉयल लड़की मिलेंगी। नो डाउट बहुत अच्छी है नेचर की भी। मैं इनसे आज फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने सालों के बाद हम मिल रहे हैं। तो यस, बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, तो इसीलिए मैं राम भगवान के साथ बहुत खुश हूँ, और राम भगवान ही मेरे लिए सब कुछ करेंगे। बस अच्छा कोमल, मुझे एक बात बताओ, हाँ तो आप घर आती जाती रहती हैं, हाँ सो जो आपके उस टाइम के जो दोस्त थे, हाँ जो आपके स्कूल फ्रेंड्स थे, हाँ जो आपके कॉलेज ऑफिस वाले के थे, भी थे, हाँ ऑफिस के भी लोग थे, तो जो आज अगर वो आपकी फिल्में तो देखते होंगे, आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे, हाँ है ना, कोई करे ना करे एकदम घुसे होते हैं रिश्ते घुसे, बनाने हाँ में, बहुत ज्यादा। तो आज के डेट में ये क्या कहते हैं, इनकी टिप्पणियां, इनके कॉम्प्लीमेंट, इनके कॉमेंट क्या होते हैं? बहुत गंदे होते हैं मैम, कि तू जॉब करती थी कहाँ चली गई, तू अपनी बॉडी शो ऑफ कर रही है, ये कर रही है। तो मेरा मानना है कि उनकी सोच वहीं तक है, वो वही बोल सकते हैं, वो उससे आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो उन लोगों की लाइफ कैसी है। हाँ 15,000 सैलरी मिल रही है, 9 बजे जाओ, 6 बजे आओ, अगले दिन फिर भागो। तो वो मैं नहीं कर सकती, ना मुझे उनकी बातों पे ध्यान देना, क्योंकि अगर उनके ऊपर ध्यान दूंगी तो मैं खुद का करियर कैसे बनाऊंगी। करेक्ट, मुझे कमेंट्स एक बार आया था, मेरे बहुत अच्छे दोस्त का कमेंट आया था कि अगर यही करना था तो शादी कर लेती, हाँ, बॉडी ही दिखानी थी तो शादी कर लेती। मैंने कहा अगर मैं शादी कर लेती तो मेरे सपने कौन पूरे करता, करेक्ट, आप तो नहीं करते, ना मेरा हस्बैंड का, पता नहीं कैसा होता, आई डोंट नो। तो मैंने इग्नोर, मैंने इसीलिए आपको लिटरली बताओ, मेरे जितने ऑफिस के दोस्त थे कॉलेज के थे, मैंने सबको ब्लॉक मार रखा इंस्टा में। अच्छा, हाँ ओके, मैंने किसी को फॉलो नहीं किया, सबके नंबर तक मैंने ब्लॉक कर रखे हैं कि ना मुझे उन्हें देखना है ना मुझे उनके कमेंट्स पढ़ने। देखो हम कैसे दुनिया में रहते हैं, जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं उन्हें हम सोशल में ब्लॉक कर देते ब्लॉक हैं, कर देते और हैं, जिन्हें हम नहीं जानते वो सारे हमारे फैन बने पड़े फैन हैं। बने पड़े हैं। अच्छा कोमल, कभी इस बारे में कभी सोचा है, जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, तुम्हारे पड़ोसी को नहीं पता होगा कि उनकी बच्ची क्या करी, किसके साथ घूम रही, हाँ लेकिन उन्हें ये जरूर पता होगा कि कोमल क्या कर रही है कोमल क्या और कर कोमल रहे, क्या करना चाहती है, ये भी बिल्कुल जानने में इंटरेस्टेड है। बिल्कुल, उनको अपने घर में देखना ही नहीं है कि हमारा हाँ बच्चा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, लेकिन हाँ हाँ सामने वाले की लड़की क्या कर रही क्या है कर रही वो है, सबसे पहले। इनफैक्ट मुझे इंस्टा पे फॉलो करते कि इसके पोस्ट देखूं कोई नई वीडियो तो नहीं आई है। और सबसे ज्यादा ये जो चीज है ना हमारे उधर आंटियों में बहुत ज्यादा है, भारी पड़े होते हैं आंटियां। इतनी ज्यादा हो, कहते ना आओ बहन चुगली करें वो वाला सिस्टम है। अरे तुम्हें पता है उसकी लड़की ने तो ये डाला है, उसकी लड़की ये कर रही है, वो लोग वहां से हाँ, बाहर निकल भी नहीं सकते। मैं बहुत टाइम से, नहीं, टाइटल मैंने रजिस्टर कर रखा हाँ है, ये टाइटल मेरे पर रजिस्टर्ड है, आओ बहन चुगली आओ करें, बहन हम जी, अगला शो शुरू करेंगे और हाँ हम सारी लड़कियों की ऐसे सारी करेंगे। लड़कियों की चुगली करेंगे बैठ के, यस, उसके हेड आप बनना, ठीक है। हम चुम, मैं नई नई खबर लेके आऊंगी हाँ, तुम कहाँ। करीना का रोल प्ले हाँ करना, मैं हाँ करण जौहर का रोल प्ले हाँ हाँ करूंगे, हाँ ठीक मैं है। सबकी बातें निकाल के लाऊंगी, कौन कहाँ है, कौन क्या कर रहा है, किसका कब बॉयफ्रेंड बदल रहा है। यस, मुझे बहुत इंटरेस्ट है हाँ सुनने मैं में। सारी बातें निकाल के लाऊंगी, फिर हम बताएंगे बताएंगे, पब्लिक को। यस। अच्छा कोमल, मुझे एक बात बताओ यार, जैसे हमारी इंडस्ट्री ना एक चीज को लेके बहुत बदनाम है, कास्टिंग काउच को लेकर के, या जैसे हम कास्टिंग काउच, कॉम्प्रोमाइज, यस एडजस्टमेंट, अलग अलग नाम से बोलते हैं, कभी आपको किसी ने अप्रोच किया, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
हाँ मैम, मुझे अप्रोच इसके लिए किया था हाँ एक शूट के रिगार्डिंग। मैं एक डायरेक्टर से मिली तो उन्होंने मुझे बोला कि ना आपको स्क्रिप्ट दे मुझे। उन्होंने कहा आप मेरे साथ ये चीज करके दिखाओ। हाँ कहाँ पाए जाते हैं ये लोग? और फिर तो मैं समझ गई, मैं छोटी हूँ, हाँ, पर चूतिया नहीं हो हाँ आप। चूतिया नहीं हूँ। हाँ तो मैंने उनको बोला सर एक बात बताइए, आपके साथ करने से अच्छा मैं डायरेक्ट स्क्रीन पे करूँ ना, हाँ और ये तो एक्टर लाके दो, एक्टर एक्टर लाके लाके करते दो। हो। कह रहे नहीं पहले मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। मैंने कहा आप क्यों सेटिस्फाई होना चाहते हैं? तो मतलब मतलब उन्होंने फिर बोला कि नहीं अगर ऐसे नहीं करोगे तो आपको काम नहीं मिलेगा, आप चप्पल इंडस्ट्री में उतार नहीं के टिक मारो। पाओगे। हाँ तो मैंने उनको बोला कि सर सुनिए, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, मैं अगर बैठ के भी खाऊं ना तो मैं जिंदगी भर खा सकती हूँ, बिल्कुल लेकिन अगर मैं घर से दूर यहाँ आई हूँ तो कुछ करने आई हूँ। अगर काम करूंगी तो इज्जत से और अपने दम पे करूंगी, कॉम्प्रो करके नहीं करूंगी। साफ करेक्ट। मना कर दिया। और मैम मेरा मानना यह है, कॉम्प्रो का जो रीजन है, मैं लड़कों को और डायरेक्टरों को गलत नहीं कहती, यहाँ पे लड़कियों की सबसे ज्यादा गलती है। करेक्ट उसका रीजन ये है कि लड़कियां आजकल ऐसी हैं काम के चक्कर में पागल कि वो डायरेक्टरों से सीधा कहती है सर आप मुझे लॉन्च कीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब अगर सामने से आप किसी को ऑफर करोगे आ बैल मुझे मार, तो जाहिर तो सी बात आदमी है क्यों छोड़ेगा आदमी यार? क्यों, आदमी तो वैसे ही ठरकी है, हवस के पुजारी। तो लड़कियों की सबसे ज्यादा मैं गलती देती हूँ, लड़कियां कहती है कुछ भी आप जो बोलेंगे वो, आप उनको ये बोलो सर मैं एक्टिंग करूंगी, हाँ एक्टिंग में आपको मेरी कोई कमी नहीं मिली, मैं सीन्स अच्छे दूंगी। करेक्ट वो कहती है मैं कुछ भी करूंगी, तो कुछ भी का मतलब आदमी सीधा वो अच्छा नहीं सोचेंगे, वो यही सोचेंगे हाँ हाँ बिल्कुल बस। बिल्कुल तो उसके चक्कर में उनको क्या लगता है कि सारी लड़कियां ऐसी हैं, हाँ वहां से सारी लड़कियां बदनाम हो गई, एक मछली पूरे बिल्कुल तालाब को गंदा कर देती है। तो एक लड़की ने अगर हाँ कर दिया तो सारी लड़कियां उसी नजर से देखी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। करेक्ट और कॉम्प्रो जो शब्द है ना, मेरे को लगता है कि ये लाना ही नहीं चाहिए इस लाइन में, करेक्ट क्योंकि देखो आपको किसी को लॉन्च करना है तो आप कॉम्प्रो करके लॉन्च करो या ना करो, लेकिन आपको स्टोरी देखनी पड़ती है कि स्टोरी आपकी चलनी चाहिए, वो करेक्ट कॉम्प्रो से नहीं चलेगी, वो लड़की की एक्टिंग से चलेगी। करेक्ट तो वहां पे कॉम्प्रो लग, मतलब कॉम्प्रो क्या है मैं आज तक समझ नहीं पाई कि रियल मायने में कॉम्प्रो होता क्या है। और इंसान अपने कॉम्प्रोमाइज के चक्कर में ना काम के साथ कॉम्प्रोमाइज कर काम लेता के है, साथ कर लेता स्क्रिप्ट है, के साथ कर, क्योंकि देखो जो लड़की आपके साथ सो रही है उसको बिल्कुल काम तो नहीं आता होगा, बिल्कुल नहीं आता, शक्ल सूरत भी अच्छी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं है होगी। ना? जब वो कहीं भी अच्छी नहीं है, आपने एक अच्छी स्क्रिप्ट ली जिसमें आपके पास कम से कम 60-70 लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल आपने अपने काम की माँ बहन कर माँ दी बहन कर सिर्फ दी, अपने अय्याशी के चक्कर में। अय्याशी के तो चक्कर में बेसिकली लड़की ने, नहीं लड़के ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया अपने करियर और काम के करियर साथ। काम को लेके। सही बात है, तो ये चीज बिल्कुल वो नहीं। और मुझे बल्कि एक ऑफर आया था कि अगर आपको इंडस्ट्री में रहना है काम करना, या तो पहचान अच्छी हो हाँ या फिर आपके पास पैसे बहुत अच्छे हो या हाँ फिर कॉम्प्रो करो। तो मैंने उनको बहुत प्यार से कहा सर ना तो मैं अंबानी के घर से हूँ करेक्ट और ना मेरा मतलब मेरे दादाजी इतने रईस है कि मैं 50 लाख 60 लाख यूं ही दे दूं आपको, मुझे लॉन्च कीजिए, करेक्ट और ना मैं मतलब ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ कि मैं इजीली अवेलेबल हो जाऊं कॉम्प्रो के लिए। करेक्ट तो सॉरी अगर आप मुझे काम नहीं देना चाहते आप मुझे मत दीजिए, हाँ मैं शॉर्ट फिल्म करके भी आगे बढ़ जाऊंगी, अगर अंदर मेरे अंदर गट्स होगी, मेरी किस्मत अच्छी होगी, मेरी एक्टिंग लोगों को पसंद आएगी, तो ऐसे काम नहीं करूंगी। मुझे सिर्फ 1 मिनट की एक्टिंग दो आप और मैं उसमें ऐसा अपना कैरेक्टर खेल जाऊं कि सामने वाला मुझे सामने से बुलाए करेक्ट बिना किसी कंडीशन के। तो करेक्ट मैं उनको ये जवाब दिया, तो मतलब वो शॉक्ड हो गए कि छोटी सी बच्ची छोटी, बम मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका, धमाका, यस सुतली बम नहीं है सुतली मैम। बम नहीं। तो मेरा जवाब यही रहता है और मैं यही बोलना चाहूंगी लड़कियों को कि आप इजीली किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। करेक्ट करेक्ट बिल्कुल आप एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देखो, आप करियर बनाने आए हो, तो जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करोगे दुनिया आपकी इज्जत कभी नहीं नहीं कर करेगी। सकती, बस वही बात है। दोस्तों इसके आगे की बातें हम अगले एपिसोड में करेंगे, यहाँ पे हम ये एपिसोड खत्म करते हैं। बाय, बाय थैंक बाय, थैंक यू सो मच। यू गाइस।